10 साल में मंत्री रहते हुए अजय मिश्रा टेनी की संपत्ति में हुआ कितना इजाफा। नामांकन में दिए गए हलफनामे में मंत्री ने खुद दिया अपनी और पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा। लाखों से करोड़ों तक पहुंचा बैंक बैलेंस का सफर। मंत्री जी को सोना पहनने का भी शौक। किसी भी चुनाव में उम्मीदवार को नामांकन पत्र जमा करते समय एक नोटरी स्तर पर बना शपथ पत्र भी जमा करना होता है। प्रत्याशी को शपथ पत्र में अपने आय व्यय के ब्यौरे के साथ एक जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। प्रत्याशी को नामांकन पत्र में अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, पत्नी और अगर आश्रित बच्चे हैं तो उनकी भी आय व्यय और लोन की सारी जानकारी देनी पड़ती है। हथियार, जेवर और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देना भी जरूरी है और ये इसलिए होता है ताकि मतदाता अपने प्रत्याशी के बारे में सब कुछ जान सके। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी सीट से दो बार के भाजपा सांसद अजय मिश्रा टेनी ने 18 अप्रैल को अपना पर्चा दाखिल किया। वर्ष 2014 से वो लगातार दो बार सांसद रहे और इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। अपने कार्यकाल के दौरान वो काफी विवादों और चर्चाओं में भी रहे। आइए जानते हैं 10 साल सांसद रहते हुए उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है और उनकी ओर से दिए गए हलफनामे में करोड़ों की चल अचल संपत्ति का जिक्र किया गया है। शपथ पत्र पर गौर करें तो इस वक्त मंत्री जी के पास चल अचल यानी नकदी, बैंक बैलेंस और बीमा राशि कुल 1,87,00,000 रुपए की है। वहीं वर्ष 2014 से पहले अजय मिश्रा टेनी के पास चल संपत्ति सिर्फ 81,00,000 रुपए थी, यानी मंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में इसे दोगुना से भी ज्यादा बढ़ा लिया है। वहीं अचल संपत्ति की बात करें तो इस समय उनके नाम 2,73,00,000 कीमत के भूमि, मकान और फ्लैट हैं, जबकि 2014 से पहले इनके पास सिर्फ 95,00,000 की कीमत की अचल संपत्ति थी। वहीं हलफनामे के अनुसार मंत्री जी की पत्नी के पास वर्ष 2014 से पहले चल संपत्ति के नाम पर सिर्फ 18,00,000 रुपए थे, जबकि इस वक्त उनके पास ये रकम दोगुनी हो गई है। वहीं अचल संपत्ति पर नजर डालें तो अजय मिश्रा टेनी की पत्नी इस वक्त करीब 25,00,000 की अचल संपत्ति की मालकिन है, जबकि 2014 से पहले ये सिर्फ 70,00,000 की थी। शपथ पत्र में दिलचस्प जानकारी मिली कि मंत्री जी जेवरों के भी शौकीन हैं। इस वक्त उनके पास 400 ग्राम सोने के जेवर हैं, वहीं 2014 से पहले उनके पास सिर्फ 70 ग्राम सोना ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर पोस्ट।